आपको क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द कम्प्लीटली इक्वेशंस 2x + 3y + z = 9, 2x + 3z = 6, 3x + y + 2z = 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस होमोजेनियस इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर लिख लेते हैं, यानी मतलब ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स वाई जेड का कोफिशियंट 2 1 1 यहाँ से, सॉरी 2 3 1 यहाँ से, और यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से 3 1 2। ठीक है, 3 1 2, और एक्स के है हमारे पास वही वेरिएबल या जिसको आप बोलते हो वेरिएबल या जिसको आप बोलते हो अननोन। ठीक है, एक्स वाई जेड और क्या बी क्या है हमारे पास, सभी के रैंक है क्वान्टिटी 9 6 8। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको इस सोल्यूशन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम करते हैं पहले इसका रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बारे में, ए बी मैट्रिक्स के रैंक के बारे में। तो ये कितना मिलेगा, 2 3 1 1 2 3 3 1 2 और क्या 9 6 8। हमको क्या करना है, इंसिडेंट फॉर्म से इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, जो हमारे पास रो वन है उसको चेंज कर देते हैं रो टू से। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, 1 2 3 6 को मिल जाएगा, यहाँ पे 2 3 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 6 बन जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास रो टू है, ये वाला रो टू जो बन गया, उसको रो टू गोज टू रो टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं, और जो रो थ्री है उसको रो थ्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो चलो एक नया बना लेते हैं। ठीक है, नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना लेते हैं इसी के, जो क्या होगा, ये दोनों ऑपरेशन करके मिलेगा, 1 2 3 6 पहले में चेंज नहीं होगा, दूसरे में क्या होगा, 2 - 2 0, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 3 - 4 - 1 1, यहाँ पे 3 2 3 2 6 मतलब क्या -5, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 मतलब क्या -3। ठीक है, अब क्या करोगे, रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, 3 - 3 0, यहाँ पे 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 1 - 6 - 5, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 तो मतलब -7, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 मतलब क्या -10। ठीक है, इतना मिल गया, आप क्या करो इसको नोट करो। चलो हो गया, अब क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन कर लेते हैं इस वाले के अंदर, जो रो थ्री है उसको क्या रो थ्री और क्या -5 टाइम्स ऑफ रो 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर नहीं पड़ेगा 0 है, यहाँ पे -5 है, और -5 टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब क्या -1, ये वाला एलिमेंट, तो ये +5 -5 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, -7 माइनस माइनस प्लस और क्या 5 5 25, तो कितना हो गया यहाँ पे सिंपली 18 बचा। ठीक है, 25 7, ठीक है 18, और यहाँ पे कितना है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, 30 - 10 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 है, तुम देखो यार, अब देखो यहाँ पे 0 बच चुका है, यहाँ पे -1, तो अब हम दूसरे और तीसरे रो का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 बना रहे हैं। अब 0 एक बार कोई चीज़ बच चुकी है तो उसको हटाएंगे नहीं, ठीक है, उसको वो उतने पे ही रहने देंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इतने पे रख देते हैं, और क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर अब नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया। ठीक है, एक बात नोट करो, यहाँ पे -3 था और यहाँ पे कितना था, -10 था। ठीक है, हमने ऑपरेशन क्या किया था, रो 3 - 5 टाइम्स ऑफ रो 2। ठीक है, तो वो ऊपर 15 बनेगा ना, हमने गलती से 30 बोल दिया था, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, तो देखो यही ना बनेगा, रो 3 मतलब क्या -10, और यहाँ पे -+ 5 3 15, यहाँ पे 15 बनेगा, 15 - 10 मतलब कि यहाँ पे सिंपली 5 बचने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, कोई बात नहीं, तो क्या करते हैं, इसको यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने ए मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका रैंक कितना मिल गया, 3 के बराबर मिल गया, इतना हमको पता चल गया। अब ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 1 2 3 3 1 2। ठीक है, इतना मिल गया। तो देखो इस पे क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऑपरेशन लगाते हैं सीक्वेंस, जैसे हमने जिस ऑर्डर में लगाया, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये सभी लगाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या मिलेगा हमको, यही पोर्शन मिलने वाला, यही ना ए मैट्रिक्स का पार्ट है, तो सॉल्व करोगे लास्ट में आपको यही मिलेगा। तो उसमें भी देख लो,
यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे तीसरे का ऑपरेशन कर नहीं सकते, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर करेंगे भी तो यहाँ पे जीरो हट सकते हैं। हम क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस का ऑपरेशन को भी यहीं पे रोक देंगे और ये बोलेंगे कि इसका रैंक भी कितना है, 3 के बराबर। तो रैंक का भी कितना हो गया, 3 के बराबर, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखो यार, ए का रैंक आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और देखो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। ये जो एक्स वाई जेड है वो कितने हैं, 3। एक बार और नोट करो, नंबर ऑफ अननोन जो क्या है, किसके बराबर है, ए के रैंक के बराबर है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो हमको क्या मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। देखो ए का रैंक भी 3 है, अननोन भी 3 है, एक्स वाई जेड, तो हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप क्या करो, इसको नोट करो, ये जो ए मैट्रिक्स के ऊपर हमने ये ऑपरेशन लगाने की बात की, इसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हमने में डायरेक्टली बात कर लिया, आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर आपको दिखाना नहीं है ना, तो आप क्या कर देना, ऑब्वियसली लिख देना, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद लिख देना, ऑब्वियसली रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू 3। अगर 3 के बराबर आता है तो ही सिचुएशन में तो आ गया, तो हमने बोल दिया। अगर नहीं आता तो हम लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3 या लेस देन 3, जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है। तो छोड़ो उसको, हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। तो क्या करो, इसको फर्दर मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लो। तो क्या लिखोगे आप, एक्स इक्वल टू बी के बराबर 1 2 3। जो आप नया मैट्रिक्स बनाते हो सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन निकालने के लिए, वो कहाँ से यूज करते हो, यहाँ से यूज करते हो वो सभी वैल्यू, ठीक है। और क्या, 0 -1 -5, 0 0 18, ठीक है। और क्या वेरिएबल हमारे पास, एक्स वाई जेड, और राइट में सभी क्वांटिटी 6 -3 और 5, ठीक है। तो पहले देखो एक्स वाई दोनों 0, चलो पहले सभी लिख लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस 2y + 3z = 6, -y - 5z = -3, एक्स वाई 0 है सिंपली 18z = 5 हो गया, मतलब क्या, जेड का वैल्यू मिल गया 5/18 के बराबर, ठीक है। आप क्या करो, जेड का वैल्यू 5/18 यहाँ इस बार सेकेंड वाले में रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। चलो नोट कर लो, हम रखते हैं -y - 5, जेड की जगह 5/18, मतलब है 25/18 बन गया, ठीक है, 25/18 बन गया। क्या करो, अपने इक्वल टू 0 राइट, इक्वल टू -3 है ना, इक्वल टू -3 है, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट में भेज देते हैं। तो कितना मिल जाएगा हमको, सिंपली इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, गलती हम लेके, तो -18y = 54 हो जाएगा माइनस का, और क्या, -20 - -1 इधर उधर जाएगा, उसका उधर प्लस बन जाएगा, ठीक है, 25 इतना हो गया। तो कितना बचेगा यार, 54 है ना, 29 बचेगा, ठीक है, -29। तो -18y = -29 करने का मतलब माइनस माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू आ गया हमारे पास 29/18 के बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों वैल्यू क्या करते हैं, पहले इक्वेशन के अंदर रखते हैं, तो उनको क्या मिल जाएगा, दूसरा वैल्यू। अब एक्स का सॉरी, हम क्या कहते हैं, वाई और जेड का वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमको क्या, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, नोट करो इतना। चलो, तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2, वाई का वैल्यू कितना है, 29/18, 29/18, और प्लस 3, जेड का वैल्यू 5/18, 5/18 = 6। तो 2 9 जा, मतलब क्या, सिंपली 29/9 बन गया, और यहाँ पे 3 6 जा, तो ये 5/6 बन गया, ठीक है। बस क्या करो, एलसीएम ले लो, 54 54, मतलब क्या ये कितने टाइम्स जाएगा, वो 54x हो जाएगा, चलो मल्टीपल सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 54 मिला, तो 54x हो गया, और 9 9 9 9 9 9 कितना टाइम्स आएगा, 6 टाइम ना, तो उससे प्लस 6 टाइम मल्टीप्लाई करो उसके अंदर, 29 × 6 करो, कितना हो गया, 9 6 54 5 9 6 12 5 17 174 + 6 9 9 5 45 = इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 54 × 6 54 × 6 6 4 = 24 4
सिक्स फाइव जो 32, 3, 24 इतना आ गया। बस फिर कभी इसी को सॉल्व कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 174 + 45 कितना हो गया ये 26, और क्या 26 19, मतलब क्या 219 हो गया ये। तो 324 में से, सॉरी 324 में से 219 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 105 मिल जाएगा आपको सिंपली। तो 105 मिल गया इज इक्वल टू 105, मतलब x का वैल्यू 105/54। सॉल्व करो, जो भी वैल्यू मिलता है आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखो अगर इसको काटना है तो क्या करो, इसको 35 से काट दो, 35 × 3, और इसको 18 से काट दो। ठीक है, 18 × 3 तो कितना मिल गया एक्स का वैल्यू आपको, 35/18 मिल गया। ठीक है, ये मिल गया हमको, इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, नोट कर लो।